नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स सेम पर। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंप्लीट एनालिसिस और कंप्लीट न्यूमेरिकल भी आज हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के पहले नोट, एक स्पेशल वीडियो हमने डाला हुआ है एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल करके, ठीक है, उसको सबसे पहले जा करके देख लो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएँ, है ना। बहुत सारा चीज़ हम वहाँ पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एरिया वेक्टर क्या होता है और सॉलिड एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। पूरा 46 मिनट्स के आसपास में है, उनका पहले नोट बना लो एंड देन फिर आओ इसको देखने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम लोग फाई ई से भी नोट करते हैं, ऐसे फाई है या फाई ई इससे भी नोट करते हैं इसको, इज इट ओके। ये क्या होता है, पहला तो चीज पॉइंट वाइज करके हम लिख लेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ये। अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी तो हम इसको आराम से अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं, ये बात समझ में आ चुका है, ये वेक्टर नहीं है। तो ये है क्या, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है फाई ई। तो फाई ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये डॉट प्रोडक्ट है एरिया वेक्टर का, ठीक है। तो अगर हम इसको इलाबोरेट तरीके सीखें तो हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, ये क्या होता है ई का मॉडुलस इनटू ए का मॉडुलस इनटू इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा कॉस थीटा होगा। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, तो सपोज करते हैं कि मेरे पास सरफेस एरिया है कोई भी, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम उस एरिया वेक्टर को लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है उसका सरफेस का एरिया का जो मैग्नीट्यूड होता है वही होता है जो हम लोग क्लास 9th 10th में निकाला करते थे। तो सपोज करते हैं कि मेरे पास कोई एक एक एरिया ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे, और यहां पर से हम अगर हम कह दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके इसमें से पास कर रहा है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके पास कर रहा है, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है ना, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके पास कर रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर। छोड़ो अभी यहां से नहीं दिखा सकते, हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया और हम बाहर ही दिखा दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चलो यहां से निकल करके ऐसे आया, अब दिख रहा है क्या, ठीक है, ये इसी लाइन से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड गया है और एरिया वेक्टर जो हो जाएगा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर समझ आया, सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया ये। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये थीटा, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वही हो जाएगा हमारा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई दिक्कत है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर सपोज करते हैं कि अगर मेरे पास इस तरह से कुछ एरिया दिया हुआ है, तो एरिया वेक्टर जो हो जाएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर या फिर इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ये हो गया एरिया वेक्टर। अगर हम कह दें यहां पर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहीं ना कहीं ऐसे पास कर रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे मान लेते हैं इनफिनिटली पास कर रहा है जैसे, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है इसमें से, तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है क्या थीटा, तो इन दोनों का ई ए कॉस थीटा आ जाएगा हमारा यहाँ पर फ्लक्स। कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई दिक्कत। अब इसके यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन पर कूलम्ब होता है क्या, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है और ये हो गया मीटर स्क्वायर,
यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब हो जाएगा, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन क्या होता है, एम एल टी माइनस में टू, और कूलम्ब का क्या क्या हो जाएगा, आई टी बताए थे उस दिन, आई इंटू टी, और ये हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारे पास दिख रहा है एम एल का क्यूब टी पर पावर माइनस में थ्री और आई माइनस वन, दिस इज योर डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये छोटा सा अभी इंफॉर्मेशन, अभी बहुत तो खा पी करके बैठो एकदम मस्त। ठीक है, बस अभी स्टार्ट किया, कॉपी कर लो पहले इसको, यहाँ पर ई वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक छोटा सा इसी में नोट करके लिख लो, तीसरा भी पॉइंट इसी में, इतना सा के बाद क्या इसे कुछ फील नहीं हुआ है ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, फील तो करेंगे आज पूरा। ठीक है, अगर हम ये कहें कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है कोई एरिया से, हम ये जानना चाहते हैं, मेरा इन्फॉर्मेशन गैदर करने का इस जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बात को ये डिनोटेट करता है कि कोई भी एरिया से, कोई भी एरिया से कितना स्ट्रेंथ पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना स्ट्रेंथ पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए ये डेफिनेशन ज्यादा बेटर है कि किसी एरिया से कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अब समझ में आ चुका है, ई इंटू ए करेंगे, कोई दिक्कत है, कॉपी करो। अब कुछ केसेस पे बात करते हैं। एक केस लेते हैं, केस वन, अगर हम बोल दें इफ एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अगर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, इसका मतलब ये हो गया कि थीटा जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। अब ये कैसे चीजें काम कर रही होगी, हम उसको भी देख सकते हैं यहाँ पर, कि अगर हम बोल दें कि ये है हमारा कोई सरफेस एरिया और इससे होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, इसका सरफेस जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे नहीं बनेगा, एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री, तो फ्लक्स कितना बनेगा, तो फ्लक्स क्या बनेगा इसका, ई ए कॉस 0 डिग्री, मतलब हो जाएगा ई इंटू ए, कोई दिक्कत है, ई इंटू ए आ जाएगा इसमें। ठीक है, समझ में आ गया बात, तो फ्लक्स क्या हो गया, देखो ये मैक्सिमम फ्लक्स दिख रहा है, सीधा सीधा दो नंबर का प्रोडक्ट से बड़ा कोई चीज थोड़ा हो सकता है, ये तो सबसे बड़ा मैक्सिमम फ्लक्स दे देगा। यहां पर केस नंबर टू पे बात करते हैं, इफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसका मतलब यही हो जाएगा कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, और अगर थीटा 90 डिग्री, तो ये कैसे चीजें को अचीव करवा रहा होगा, तो सपोज करते हैं मेरे पास एक यही है कोई एरिया देख लो, ठीक है, और इससे होकर के ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। अब एरिया वेक्टर कैसे होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो कोई फ्लक्स इसमें से पास नहीं करेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90 मतलब हो जाएगा 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, कॉस 90 और ये फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या हुआ, तो अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो सपोज करते हैं, अब थोड़ा धीरे धीरे करके एनालाइज करो कि फ्लक्स है क्या, तो सपोज करते हैं कि इधर से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर जा रहे हैं और हम एरिया ऐसे बना के रखे, तो हम कहेंगे ना इस फ्रेम में सबसे ज्यादा हीटिंग होगा,
है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा हीट करेगा ऐसे करके, तो इसमें से भाई पास कर जाएगा आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, आराम से। और यही हम एरिया ऐसे कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, तो इसमें से घुस करके तो नहीं जा पाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा चल रहा है तो इसमें से पास नहीं कर पाया, है ना, इसके पैरेलल पैरेलल निकल गया तो फ्लक्स नहीं बना इस केस में, कोई दिक्कत है। और वहीं पर अगर हम इस इलेक्ट्रिक फिर से इसको ऐसे कर देंगे तो फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ऐसे कर देंगे तो कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं होगा तो वो इतना सा। अगर हम इसको ऐसे दिखाएंगे, अभी दिखाते भी हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आने के बाद। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एरिया मीटर के परपेंडिकुलर होने का मतलब यह है कि सरफेस पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो कोई पास ही नहीं किया फ्लक्स, सरफेस पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के मगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। केस नंबर थ्री, अगर हम बोल दें कि एरिया वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब यही हो जाएगा कि जो थीटा है वो 180 डिग्री है, जो थीटा है वो हमारा 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही है हमारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमने ऐसे लेके रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे पास कर रहा है, तो फ्लक्स क्या बनेगा, ई ए कॉस 180, मतलब माइनस में ई है क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू माइनस में 1 हो जाता है। अब एक बात बताओ, ये कोई सेंस बनता है क्या इस चीज को सोचने का भी, बनता है क्या? फ्लक्स तो देखो मैक्सिमम अगर मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो फ्लक्स तो ई ए ही है ना मैक्सिमम, बट हमने क्या किया कि यहां पर एरिया वेक्टर को उल्टा ले लिया। हम तो एरिया वेक्टर ऐसे भी ले सकते थे, मेरी मर्जी होती कि अगर हम ऐसे ले लेते, ऐसे नहीं लेते हम ऐसे लेते, क्योंकि एक ही सरफेस के दोनों तरफ परपेंडिकुलर हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं, यानी कि अगर ओपन सरफेस है तो उस केस में हमारा दोनों सही है, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात। ओपन सरफेस है उस कंडीशन में देखो एरिया वेक्टर हमने गलती से ना इधर ले लिया था, हम ऐसा भी तो ले सकते थे, यही फोटो तो ये भी बन सकता था, क्योंकि हम क्या, हमको क्या पता कि हम एरिया वेक्टर ऐसे लेके ऐसे ले, लेकिन हम ऐसे ले लेंगे गलती से तो हमारा निगेटिव आ जाएगा, उससे कोई मैटर तो नहीं करता है, हमारा नंबर तो सेम आ रहा है ना, ई ए ई और ई ए, यहाँ भी कोई दिक्कत है, तो ये भी हमारा फ्लक्स बन रहा है। इसी तरह से अगर हम बोल दें केस नंबर फोर पर बात करते हैं, इस बार हम कहते हैं कि मेरे पास जो जो एरिया है वो कहीं ना कहीं इस तरह से, ठीक है, जो एरिया है थोड़ा हम इसको ऐसे ट्रीट कर दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा बेटर होगा ताकि हम थोड़ा दिखा पाएंगे चीजें कैसे काम कर रही है, हाँ ठीक है। तो इस बार एरिया हमारा ऐसे है और इससे होकर के हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे ऐसे पास कर रहा है। अब इसमें से कैसे फ्लक्स बनेगा, तो चलो हम एक काम करते हैं, इस एरिया का सेक्शन काटते हैं, है ना, एक हम ऐसे दिखा सकते हैं क्या, देखो तो हम कह रहे हैं कि इस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात ही नहीं कर रहे इस एरिया के बारे में, हम इस एरिया के बारे में बात कर सकते हैं, देखो तो क्या इस एरिया से जो फ्लक्स पास कर रहा है वही तो इसमें से ही पास कर रहा है ना। हम कह रहे हैं कि कुछ मेरा एरिया इस तरह से है, है ना, टिल्टेड है, लेकिन हम अभी नहीं जानना चाहते इसके बारे में, है ना, ऐसे ऐसे देखो एग्जैक्ट बन गया, नहीं इसके बारे में बात करना चाहते, तो हम देखना चाहते इससे कितना फ्लक्स बन रहा है, हम इसके बारे में स्टडी ही नहीं करना चाहते, हम इसको परपेंडिकुलर देखना चाहते हैं, भाई तुम्हारा प्रोजेक्शन इधर कितना बन रहा है, तो इतना ही एरिया से जो फ्लक्स पास कर रहा है वही तो इसमें से पास कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा बात, देखो तो यही चार लाइन अगर इसमें से पास कर रहा है तो वही चार लाइन इसमें से पास कर रहा है, मगर नीचे का बेस में से कोई फ्लक्स पास तो करेगा नहीं, तो हम यही कह सकते कि जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने फ्रंट में जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा उतना इनटू अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कर दें तो मेरे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, ये एरिया ऐसा है लेकिन हमने उसका प्रोजेक्शन ले लिया आ गया ना, ये हो गया इसका प्रोजेक्टेड एरिया, है ना, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। सपोज करो कि अगर हमने एक कोई
चीज लिया, उसके ऊपर टॉर्च मारा, टॉर्च मारने के बाद जो उसका इमेज बनता है ना, उस उसी इमेज को हम कहते हैं प्रोजेक्शन। तो उस प्रोजेक्टेड एरिया में जितना फील्ड पास कर रहा है उसी के बारे में बात करेंगे अब, है ना। इस बेढंगे से शेप शेप के बारे में क्या बात करेंगे, ठीक है। इस वाले से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, इसमें से फ्लक्स बनेगा जिसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना भी एरिया इसका आएगा वो हम काउंट कर लेंगे हमारे पास। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत है? तो ये चार तरह का केस दिमाग में बैठाना है अभी से। पहला बात तो क्या सीखे, अगर एरिया वेक्टर पैरेलल है तो फ्लक्स हमारा हो जाएगा ई ए, परपेंडिकुलर होगा जीरो, एंटी पैरेलल होगा तो भी ई ए ही होगा, लेकिन अगर निगेटिव है तो हमने गलती से ले लिया था निगेटिव, वो तो निगेटिव आ गया। और हर समय एरिया को हमने प्रोजेक्टेड लेना है। कॉपी कर लो इसको। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड फ्लक्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड एरिया वेक्टर इज 4i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 8k कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना एरिया वेक्टर इतना दिया हुआ है, ये मीटर स्क्वायर में है एरिया। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो रूट ओवर करके, इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो हमको कह रहा है फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ऑफ एरिया वेक्टर। तो ई वेक्टर तो यही है, एरिया वेक्टर यही है, दोनों का डॉट करवा देंगे। तो ई कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप को डॉट करवा देना है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप से। और जब डॉट करवाते हैं तो कैसे डॉट करवाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले को j वाले से और k वाले को k वाले से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं। आगे आंसर हमारे, तो 4 2 8 माइनस 3 2 6 और माइनस में 16, है ना। तो कितना हो जाएगा, 22 और 8, सॉरी यहाँ पर 2 और 16 यानी माइनस में 14, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, दैट्स योर आंसर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ये इतना हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस पर कोई स्टडी तो नहीं करेंगे हम, 12th के स्टूडेंट हो भाई तुम लोग, है ना। फाइंड फ्लक्स इफ E इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम, ये अभी से क्वेश्चन रहेगा, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 100 न्यूटन पर कूलम होने वाला है। तो ए नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया हमारा z एक्सिस, ठीक है। इसमें हम क्या किए हैं कि यहां पर हमें एरिया ऐसे ले लिया, ये है हमारा 10 और ये भी है हमारा 10, ठीक है, ये है 10 इधर भी है 10। अब एक बात बताओ, इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, और ये 100 न्यूटन पर कूलम्ब आई कैप है यहां पर दिया हुआ। आई कैप होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अब बताओ एरिया वेक्टर कैसे पास कर रहा है, देखो एरिया क्या हो जाएगा, इस सरफेस के एक्स वाई प्लेन में एरिया है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की तरफ एरिया वेक्टर बनेगा, है ना, ऐसे जेड डायरेक्शन की तरफ बनेगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 यानी कि 100 के कैप हो जाएगा, है ना, जेड डायरेक्शन में। तो कोई फ्लक्स बनेगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है एरिया के सरफेस से सटते हुए पास कर गया, उसमें से घुस करके थोड़े पास किया, तो फ्लक्स तो जीरो होना चाहिए। ऐसे भी देखो आई को कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो फ्लक्स इस कंडीशन में क्या बनेगा, जीरो। समझ में आ रही बात ना, ये तो क्लियर हो गया ये बात, भूत बन गए क्या, हेलो रे भूत। चलो ठीक है, बी के बारे में बात करते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास इस तरह से करके एरिया दिया हुआ है, ये 10 है, ये भी 10 है, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे पास करवा दिया है। अब बताओ अगेन जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर की तरफ हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, अब तक तो रटाया जाना चाहिए,
एरिया वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड यानी 10 इंटू 10 100। जे कैप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिख रहा है 100 न्यूटन पर कूलम। आई कैप, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट करवाएंगे तो भी जीरो आ जाएगा, तो फाइव आ जाएगा हमारा जीरो। फील करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, और इस सरफेस भी देखो, सरफेस देखो ऐसे है मेरे हाथ की तरह, सरफेस फ्लैट है और उसमें से ऊपर ऊपर पास कर गया तो फ्लक्स फिर से नहीं बनेगा, तो फ्लक्स नहीं बना, होना भी चाहिए था। सी कंडीशन में बात करते हैं, इस बार लगता है बनेगा नहीं जी, दो बार तो नहीं बना, इस बार तो बनना चाहिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इस बार हम एरिया को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये है 10, ये भी है 10, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे पास कर रहा है। एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एरिया वेक्टर इस बार परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि इस बार ये वाई जेड प्लेन में। एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा 100 आई कैप, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हो गया एरिया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा ई इंटू ए सीधा सीधी, क्योंकि दोनों तो पैरल हो गया, तो क्या हो जाएगा 100 × 100 मतलब 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, कॉपी करो। अगला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बेसिकली क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 3। ये ध्यान समझना वर्ड को, ध्यान से, फाइंड नेट फ्लक्स एंटरिंग टू द बॉडीज, बहुत सारा बॉडी लेने वाले हैं, उसमें कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है ना, वो 3D ऑब्जेक्ट लेंगे है ना, उसमें कितना फ्लक्स जा रहा है, कितना फ्लक्स जा रहा है, ये आंसर क्वेश्चन है हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे पास एक इस तरह से करके क्यूबिकल ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट यहां से ले लेते हैं ऐसे, ठीक है ऐसे, और इसका साइड लेंथ है ए, साइड लेंथ कितना ए है, और ये क्यूबिकल है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे पास कर रहा है, तो कह रहा है इसमें कितना एंटर किया है फ्लक्स। तो अभी हम बताएं जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते ऐसे जा रहा था तो एक सरफेस के अंदर में ऐसे करके ऐसे ऐसे घुस रहा है, तो जो एरिया प्रोजेक्टेड दिखेगा उसको वही ना हम एरिया लेंगे, जो प्रोजेक्टेड एरिया दिखेगा हम वही ना एरिया लेंगे, जो प्रोजेक्टेड एरिया दिखेगा, सपोज करते हैं मेरे पास ये एक सिलिंड्रिकल टाइप का दिख रहा होगा कुछ, है ना, दिख रहा है, तो अगर हम इसके ऊपर इधर से टॉर्च जलाएंगे ये क्या दिख रहा है आगे में तुम लोगों को क्या दिख रहा होगा, देखो हम रेक्टेंगल टाइप का नहीं दिख रहा ये, अगर ऐसे करके देखो क्या दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, तो जो प्रोजेक्टेड एरिया दिख रहा है वो सर्कुलर है। अरे बस सुन, ये बीच का होल छोड़ देना, ये सर्कुलर एरिया दिख रहा है, कोई दिक्कत है मेरे पास तो, अभी यही दिख, अभी क्यूबिकल ऑब्जेक्ट होता तुमको क्या दिखता है, स्क्वायर दिखता आगे में, है ना, तो इस बार फ्लक्स क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए प्रोजेक्टेड, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना दिख रहा है ई, और प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, साइड इंटू साइड, ये तो स्क्वायर दिखेगा हमको, ये हो गया आंसर, ठीक है। बी कंडीशन में बात करते हैं हमारे पास, चलो यही एक था हमारे पास सिलेंडर, तो सिलेंडर का ही देख लेते हैं, तो सिलेंडर में यही है, और इसका रेडियस आर दिया हुआ, लेंथ एल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे पास कर रहा है, तो कितना एंटर कर रहा है फ्लक्स, फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ई इंटू, क्योंकि इसी एरिया से पास करेगा ना फ्लक्स सिर्फ, अरे वो सर फ्लक्स इसमें से घुसेगा, तो इसमें घुसा वो एरिया प्रोजेक्टेड तो सिर्फ यही बनेगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना निकला वो सब हमको मतलब नहीं है, सिर्फ कितना आ रहा है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सी नंबर कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, सवाल के ऊपर इसी को देख लेते हैं, यही सिलेंडर है हमारे पास, और इसमें इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एल लेंथ में, रेडियस आर है, अब बताओ इसको कैसा दिख रहा होगा, अगर हम इसका प्रोजेक्टेड एरिया बनाएं कैसे बनेगा, तो भाई इसका ये तो लेंथ एल ही रहेगा,
और जो ये रेक्टेंगल बनाएगा वो तो ये पूरा का पूरा बनेगा रेक्टेंगल का लेंथ, तो हो जाएगा आर आर टू आर, ये लेंथ क्या हो जाएगा टू आर और ये लेंथ हो जाएगा एल, है ना। नहीं समझ में आ रहा बात, इस सिलेंडर के तरफ हम इस बार ऐसे करके लेके जा रहे हैं, तो भाई यहां से लेकर के इधर आर, यहां से इधर नीचे आर, ये हो गया ना ये लेंथ पूरा टू आर और ये लेंथ हो गया हमारा एल। नहीं दिखा, फिर से देखो, यहां से यहां तक आर, यहां से नीचे आर और ये लेंथ हो गया एल। तो ये ना बना हमारे पास, देखो अगर हम बनाने की कोशिश करें तो हमको तो प्रोजेक्टेड कुछ इसी तरह का दिख रहा है इसका, है ना, दिखा ना रेक्टेंगल। अरे वो सुनिए, ये हो गया टू आर और ये हो गया एल, उसी के बारे में बात कर रहे थे, कोई दिक्कत है। तो प्रोजेक्टेड एरिया ये हो गया, तो इसका फ्लक्स क्या बनेगा इस कंडीशन में, फ्लक्स क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ ई इंटू टू आर इंटू एल, फ्लक्स आ गया, इतना आंसर। डी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सपोज करते हैं इस बार हमारे पास एक स्फेयर दिया हुआ, क्या दिया हुआ ये स्फेयर ऑफ रेडियस आर दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया है, बताओ प्लस क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्फेयर का एरिया लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, कि प्रोजेक्टेड एरिया सर्कुलर है ना, सर्कुलर लेंगे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका फ्लक्स, कॉपी कर लो जल्दी से। ई नंबर में देख लेते हैं हम लोग फटाक से, अगर हमारे पास इस तरह से करके एक हेमिस्फेरिकल बाउल दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार ऐसे करके दे रहा है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, तब बताओ फ्लक्स ऊपर से क्या दिखेगा हमको, सर्कल दिखेगा है ना, इस बार फ्लक्स क्या बनेगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। एफ की तरफ बढ़ते हैं, सेम बाउल लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार ऐसे, तो इस बार फ्लक्स क्या बनेगा, इस बार फ्लक्स क्या बनेगा है ना, इस बार अगर देखेंगे तो ऐसे ऐसे तो हमको भाई वही क्या दिखेगा, इधर से प्रोजेक्टेड एरिया कैसा दिखेगा, इधर इन दिखेगा सेमी सर्कल दिखेगा, है ना, सेमी सर्कल दिखेगा, पाई आर स्क्वायर का आधा दिखेगा, प्लस क्या हो जाएगा इनटू पाई आर स्क्वायर का आधा, ठीक है। ये आ गया इसका, अगले की तरफ बढ़ते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास एक कोन दिया है जिसका हाइट दिया है एच और रेडियस दिया है आर और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऊपर से लेकर के आ रहे हैं ऐसे, अब बता दो फ्लक्स क्या बनेगा, इस बार फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर से आ रहा है ना तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसी में से सिर्फ फ्लक्स बनेगा ना ये, इसका इसका फोटो तो नीचे देखोगे सर्कल ही दिखेगा। एच नंबर में देखते हैं, ये एच हो गया और ये आर हो गया, तो अगर हम इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लेके जा रहे हैं तब फ्लक्स कितना बनेगा, तो इस बार अगर ऐसे देखोगे तो ट्रायंगल दिखेगा, नहीं दिखेगा, देखो अगर हम ऐसे करके फोटो दिखाएंगे तो क्या दिखेगा, ट्रायंगल दिख जाएगा, तो हमको प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा, ट्रायंगल का दिखेगा, ये हाइट एच दिखेगा और ये हमको दिखेगा टू आर लेंथ का बेस, तो इसका हाइट एच हो गया, तो एरिया क्या बनेगा इसका, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया एरिया, तो फ्लक्स क्या बनेगा ई इंटू आर एच, अरे बस ई इंटू आर एच इस कोण से होकर के ऐसे फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जी एच में के बाद अब से देखना ध्यान से आई नंबर में, जैसे बता रहे हैं वैसे समझना, ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। जी और एच को थोड़ा एनालाइज करो, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे ही जा रहा था, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस से 0 डिग्री है, और इस कंडीशन में देखो थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री आ रहा है ऐसे, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो एरिया इतना है, सॉरी फ्लक्स इतना बन रहा है, और अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो फ्लक्स हमारा इतना आ रहा है। अब हम जो एक सवाल कर रहे हैं वो ये है कि अगर हम ये पूछें कि एक कोण है और उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे पास करवा दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल
थीटा पे पास किया है ऐसे। तो अब बताओ कि इसका फ्लक्स क्या होगा, वही है सेम हाइट h और वही है r। तो हम इसका फ्लक्स कैसे लिखेंगे, इसका फ्लक्स कैसे लिखेंगे किसी एंगल थीटा पर, तो हम इसी दोनों का कंबाइन करके देखो कैसे हम लिख रहे हैं इसका फ्लक्स है ना किसी एंगल थीटा पर। तो जब ये थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री था, जब थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री है तो फ्लक्स ये है, दिख रहा ना थीटा का वैल्यू जब जीरो डिग्री है तो फ्लक्स ये है, तो कॉस जीरो का वैल्यू वन हो जाता है क्या। तो हम इसको लिखते हैं ऐसे करके देखो, ई टाइम्स ऑफ आर एच कॉस थीटा प्लस ई टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या सही लिखे हैं क्या। हम किसी जनरल एंगल थीटा पे बात कर रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन लिखे हैं ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है और किसी जनरल एंगल थीटा पर भी ये दिखा गया। देख लो अगर थीटा का वैल्यू जीरो रखोगे तो ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, और थीटा का वैल्यू अगर 90 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो किसी भी जनरल एंगल पर हम इसका फ्लक्स ऐसे लिख सकते हैं, कॉपी करो। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई थिंक जे है, देख लेना क्वेश्चन ठीक है। इस बार कह रहा है कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर दिया हुआ है और इस सिलेंडर से होकर के एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे करके पास करवा रहे हैं किसी एंगल थीटा पर, रेडियस आर है, एल है, इसका फ्लक्स क्या बनेगा सोचो। अभी जैसे पीछे दिखाए थे किसी एंगल थीटा पर, तो पहले तो थीटा का वैल्यू जीरो कर लेंगे, थीटा का वैल्यू जीरो करेंगे तो इसको हमको फ्लैट सरफेस दिखेगा ना ऐसे करके, रेक्टेंगुलर सरफेस दिखेगा। रेक्टेंगुलर सरफेस का मतलब लेंथ हो जाएगा 2r और हाइट हो जाएगा l, यानी कि e टाइम्स ऑफ 2r into l इसका फ्लक्स बनेगा जब थीटा का वैल्यू जीरो होगा, यानी cos 0 डिग्री के जगह पे लिखेंगे cos थीटा। और उसी तरह से अगर 90 डिग्री कर देंगे तो हमारा सिर्फ ये वाला फ्लक्स बनेगा e टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा आ जाएगा। किसी भी जनरल एंगल पर हम ऐसे फ्लक्स लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सपोज करते हैं मेरे पास इस तरह से करके एक स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर पिरामिड, और इसका साइड का लेंथ एल है ठीक है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे पास करवाया है भाई, आप बताओ फ्लक्स क्या बनेगा, एकदम आसान हो गया क्या, e टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, इसी से ना पास करेगा और तो कोई इसी से पास नहीं करने वाला, इतना तो अब समझ में आ गया होगा। तो फ्लक्स कितना एंटर कर रहा है ये समझ में आ चुका है अब हम लोग को, किसी भी शेप के बॉडी से है ना, किसी भी शेप के बॉडी से। अब हम लोग बात करते हैं 3D ऑब्जेक्ट के बारे में, पहले छोपे इसको, अगर मेरे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है और हम उसके एरिया को इस पहले डिस्क्राइब करेंगे एंड देन फिर उससे होकर के प्लस के बारे में बात करेंगे ठीक है। तो अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग सीखे हुए थे पहले भी कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। हर समय कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है अगर दिया हुआ, सपोज करते यही कोई 3D ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा हर समय वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ, हर समय एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, ये बात दिमाग में बैठा लो। और अब हम लिखते हैं फ्लक्स ठीक है। तो चलो फ्लक्स लिखना स्टार्ट करते हैं।
तो फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। सीधा सी हम हर एक एरिया से कितना फ्लक्स बन रहा है हम उसको पकड़ कर जोड़ देंगे, मेरे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। तो एक सवाल कर ही लेते हैं यहीं पर, ठीक है। क्वेश्चन, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऐसा जगह दिख रहे हैं कि नहीं है दिखेगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं फाइंड, ठीक है, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूबिकल, है ना, वॉल्यूम इफ ई वेक्टर जो है वो ई नॉट आई कैप है, ठीक है। कह रहा है कि एक क्यूबिकल वॉल्यूम है जो हम दिखा भी रहे हैं, यही है हमारा कोई क्यूबिकल वॉल्यूम, ठीक है। तो कह रहा है इससे होकर के कितना फ्लक्स बन रहा, थोड़ा हम गड़बड़ा दिए पिक्चर, ठीक है। तो पहले क्या ठीक है इसमें, ये है हमारा क्यूब। अब ठीक है, y z और x, ठीक है। अब इससे होकर के देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ई नॉट है कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। देखो आइडेंटिफाई भी करो इसको, रीड करने के लिए अब समझ में आ चुका होगा। E बराबर अगर लिखा है, ध्यान समझो, E बराबर E नॉट I कैप लिखा है, तो E नॉट एक कांस्टेंट नंबर है, इतना तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन है किधर की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो इधर की तरफ है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और हमको लिखना है एरिया वेक्टर, तो हमको भाई इससे कह रहा है कितना फ्लक्स बन रहा है, कितना फ्लक्स पास कर रहा है, हमको उसको लिख करके दिखा दो नेट फ्लक्स कितना बन रहा है इसमें। तो सबसे पहली बात तो है भाई इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, है ना, इधर जेड एक्सिस की तरफ, इसका नीचे की तरफ, इस वाले का इधर की तरफ और पीछे वाले का पीछे की तरफ। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है बाहर की तरफ, क्लोज सरफेस के लिए। ओपन सरफेस का स्टडी हम लोग कर चुके हैं पीछे भी, है ना। अब स्टडी करते हैं इसका नेट फ्लक्स लिखते हैं। नेट फ्लक्स कैसे लिखेंगे, इसको मैनेज कर दे, यहां से कॉपी कर लो इसको जल्दी से, तो अगर हम नेट फ्लक्स लिखना चाहते हैं तो हम नेट फ्लक्स जो लिखेंगे, हम हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स बना है सबको पकड़ के जोड़ देंगे, हर एक सरफेस से होकर के जितना फ्लक्स बना है सबको स्केलरली जोड़ देना है, स्केलरली वेक्टोरियली नहीं जोड़ना है। तो भाई छह फेस है तो हम लिखते हैं फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव और फाइव सिक्स, ठीक है। और इसका सबका एरिया तो साफ दिख रहा है ए स्क्वायर, है ना। मान लेते हैं अगर ये लाइन ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए है, तो सबका एरिया का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो तो ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, किसमें से होकर के फ्लक्स बनेगा, इस वाले से तो फ्लक्स बनने से रहा, ये जो बाहर की तरफ सरफेस है उसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही पास कर जाएगा, तो इसमें से भी नहीं बनेगा फ्लक्स, नीचे से भी नहीं बनेगा फ्लक्स और पीछे वाले से भी नहीं बनेगा फ्लक्स, इन चार के कारण तो फ्लक्स बनेगा ही नहीं। तो पहला बात तो यही हो गया कि पहला चार को हम जीरो ही लिख दे रहे हैं, कैसे हो गया, एक दो तीन चार पांच ही होता है, एक दो तीन चार पांच छह, चार को ना जीरो लिखा था, हाँ। इस वाले के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घुसा, देखो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, इलेक्ट्रिक है ना, इसमें इस वाले में अगर एनालाइज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऐसे घुस रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसा, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, तो निगेटिव हो गया क्या इस कंडीशन में, अभी ना सीखे थे पीछे कि अगर 180 कंडीशन बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एरिया बाहर, तो फ्लक्स हो जाएगा निगेटिव, कितना E इंटू एरिया वेक्टर, तो कितना हो जाएगा माइनस में E नॉट इंटू एरिया ए स्क्वायर इस वाले के लिए। और इस वाले में कितना हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर आ रहा है इधर की तरफ, एरिया ही बाहर है, दोनों प्लस हो जाएगा क्या, इस वाले में जाएगा प्लस में E नॉट इंटू ए स्क्वायर, ओ गॉड जीरो हो गया क्या आंसर, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, आगे समझ में कोई दिक्कत, छप
बी नंबर में उसी का हिस्सा देखते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है इस तरह से करके ई नॉट आई कैप प्लस में ई नॉट जे कैप प्लस ई नॉट के कैप, ठीक है सेम वही है, बना ही देते हैं फिर से ताकि समझ में आए। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये एरिया दिख रहा है। इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके भी तीन कंपोनेंट है और तीनों ही तीनों डायरेक्शन में, यानी कि एक्स के तरफ भी ई नॉट है, वाई के तरफ भी ई नॉट है और जेड के तरफ भी ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, तो तीनों तरफ फ्लक्स आएगा। अब देखते हैं नेट फ्लक्स कितना बनेगा। तो फ्लक्स नेट तो लिखने का तरीका समझ में आ चुका है क्या, पहले का दूसरे का तीसरे का इसी तरह से करके हर एक सरफेस का लिखेंगे और फाई सिक्स कर देंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं, इसका एरिया कैसे लिखोगे, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ निगेटिव आएगा ना इसका, तो पहले वाले का आ जाएगा माइनस में ई नॉट, क्योंकि इधर की तरफ ई नॉट है, एरिया वेक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इस वाले का ई नॉट इंटू ए स्क्वायर प्लस में। फिर इसका बात करते हैं, इसका एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे बनेगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में ना ऐसे, इसका हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस में ई नॉट ए स्क्वायर और एक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा और एरिया वेक्टर भी ऐसे बन जाएगा, ये हो गया एरिया वेक्टर और यहां पर हो गया ई नॉट इधर की तरफ, तो इसका हो जाएगा प्लस में ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। इस वाले के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर की तरफ और ई नॉट भी इसको लिख ही दिया ना पीछे। अब इधर और इधर के बारे में बात करेंगे तो इधर वाले में प्लस हो जाएगा और उसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर उधर की तरफ घुसेगा जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, यानी कि इस एक में हो जाएगा माइनस में ई नॉट ए स्क्वायर और एक में हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर बाहर में, यानी कि नेट फ्लक्स अभी भी जीरो है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर देखो दो केस हम बनाए हैं और दोनों ही डायरेक्शन में हम सारा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिए तब भी हमको नेट फ्लक्स जीरो मिला है। हम इसे एक नोट करके लिख लेंगे यहाँ से, इस बात से क्या सीखे, इससे सीख क्या मिलता है। अगर कहीं बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी क्लोज सरफेस में इंटर करवाया जाएगा तो उससे होकर के जितना भी नेट फ्लक्स बनेगा वो जीरो ही आएगा ऑलवेज, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म था अभी तक, क्लोज्ड सरफेस इट मेक्स नो नेट फ्लक्स, कोई भी नेट फ्लक्स वो नहीं बनाएगा अगर कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से पास करेगा। उसका एक प्रूफ भी देख लो ऐसे करके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अगर बाहर से कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है किसी क्लोज सरफेस में तो जितना ही फ्लक्स आएगा उतने चला जाएगा, तो जितना आया है वो निगेटिव हो जाएगा, जितना गया है वो पॉजिटिव। इसका मतलब यही हुआ कि जितना फ्लक्स एंटर किया है और फ्लक्स जितना आउट हुआ है ये दोनों मिल करके जीरो हो रहा है। इसका मतलब यही हो गया कि फ्लक्स जितना एंटर होगा उतना ही फ्लक्स आउट भी होगा, ठीक है। जितना ही फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स आउट होगा, लेकिन निगेटिव हो जाएगा क्योंकि देख लो एक में यहां पर अगर मैं एक्स एक्सिस डायरेक्शन में देखें यहां पर निगेटिव जितना हुआ है उतना ही प्लस आ रहा है, जितना ही प्लस में देखो उतना ही माइनस में, जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो ये चीज हम बताने की यहां कोशिश की है। कोई दिक्कत है, छापो।
सी नंबर क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नॉट एक्स आई कैप है और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है एक्स पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फंक्शन है एक्स का, यानी कि एक्स का वैल्यू अगर जीरो है एट ओरिजिन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो एंड एट एनी पॉजिटिव वैल्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंड इफ एक्स गेट्स एनी निगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके, नेट फ्लक्स लिखना पड़ेगा 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 और 5-5 और यहां से हो जाएगा 5-6, तो नेट फ्लक्स लिखना पड़ेगा। तो नेट फ्लक्स लिखते हैं, तो पहला नंबर में नेट फ्लक्स कैसे कैसे लिखेंगे, तो सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन में है। देखो इधर है ना, अगर हम यहां पर कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ जा रहा है, तो पहला नंबर हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा फील्ड जो ये जो सरफेस है ये तो एक्स एक्सिस के ओरिजिन पर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू, चलिए ए नॉट इनटू एक्स का वैल्यू क्या है जीरो, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, रहेगा माइनस में इस वाले का, बाकी चार तो जीरो ही होने वाला है ना, बाकी चार तो जीरो ही है प्लस, यहां पर बात करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ई नॉट और एक्स का जगह आप क्या लिखेंगे, ये कोऑर्डिनेट कितना है यहां पर, एक्स का वैल्यू ए है, ए इंटू ए स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड घुसा है, कितना घुसा है यहां पर, एक्स पर डिपेंड कर रहा था, एक्स का वैल्यू था ए, हमने वहां पर एक्स का वैल्यू ए लिख दिया, तो इस वाले से कितना फ्लक्स बना ई नॉट इंटू इसका कोऑर्डिनेट ए, एरिया तो ए स्क्वायर है, बाकी चार से तो कोई बनने वाला नहीं है क्योंकि इसका ऐसे सब परपेंडिकुलर हो जाएगा सब जीरो, तो क्या बच गया देखो ये तो पूरे जीरो हो गया प्लस में ई नॉट इंटू ए का क्यूब, यानी हो गया ई नॉट ए का क्यूब। कहोगे बाबा यहां तो प्लस सर जीरो नहीं हुआ, तो हम सा बोले थे पीछे स्टेटमेंट ध्यान समझो, उसमें लिखे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी जीरो होगा, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि देखो ओरिजिन पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इधर देख रहे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जरूर अंदर में कहीं ना कहीं चार्ज है, अंदर से ही फील्ड निकल रहा है, कितना फील्ड है चार्ज अंदर में वो भी हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, अभी तो बात समझ लो कि ठीक है। कॉपी करो, इस सवाल को और अच्छे समझने के लिए चलो थोड़ा एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि मेरे पास यही है क्यूबिकल बक्सा, ठीक है, ठीक है, यही है क्यूबिकल बक्सा, लेकिन इस बार वो ओरिजिन पर नहीं है, थोड़ा इधर हट करके है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उतना ही रखे ई नॉट एक्स, चलो ठीक है स्क्वायर कर लेते हैं ताकि थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आए, और ये जो कोऑर्डिनेट है यहां पर एक्स का वैल्यू ए है और यहां पर एक्स का वैल्यू टू ए दे दिया गया है, अब बाकी साइड ये जो कोऑर्डिनेट है ये ए है और ये भी कोऑर्डिनेट हमारा ए आ रहा है, ठीक है, सॉरी यहां नहीं, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा ए आ रहा है, तो कह रहा है इसका इससे होगा कितना फ्लक्स बनेगा, तो ऑब्वियसली फिर से चार का तो जीरो ही होने वाला है क्योंकि हर किसी का एरिया वेक्टर तो ऐसे ही बनने वाला है, तो जो फ्लक्स बनेगा वो तो इसी एरिया से बनने वाला है नेगेटिव और इस एरिया से पॉजिटिव, इतना तो समझ में आ रहा है ना अब तक बात, इस वाले से एरिया वेक्टर ऐसे दिखाएगा और इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए यहां पर फ्लक्स पॉजिटिव, इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए फ्लक्स नेगेटिव है, दोनों का प्लस लिख लेते हैं, तो फ्लक्स नेट सीधा सीधे हम दो ही को जोड़ लेते हैं, इसका प्लस क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, इसके माइनस में यहां पर क्या क्या लिखे देखो ई नॉट
इस जगह पर एक्स का वैल्यू कितना ए है, यानी कि हो जाएगा ए का स्क्वायर और इसका एरिया। कैसे लिखा प्लस पे लिखो, माइनस में ई इंटू एरिया लिखोगे ना जी, आई का लिखोगे प्लस में ई इंटू एरिया लिखोगे ना, तो यहाँ का रिप्लीट कैसे लिखोगे, माइनस में ई नॉट ए का जगह पे ए स्क्वायर लिखोगे ना और एरिया ए स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर ई नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ई नॉट इंटू एक्स का वैल्यू कितना 2a है, यानी कि 2a का होल स्क्वायर। नीचे लिख देते हैं क्योंकि ट्यूबलाइट भी चल जाएगा, प्लस में ई नॉट इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ 4a स्क्वायर हो गया, 4a का पावर 4, 4 ई नॉट ए पावर 4 और यहां हो गया माइनस में ई नॉट ए पे पावर 4, यानी कि 3 ई नॉट ए पे पावर 4 इतना फ्लक्स। आगे समझ में, छपो। इतना सब सीख लिए तो एक सवाल ये भी सीख लेते, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिया हुआ है ई नॉट आई कैप, ई नॉट आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में दिया हुआ आकार है, इसका फ्लक्स बताओ। ये ऑलरेडी हम समझा चुके हैं सॉलिड एंगल और एक्यूबेटर वाले वीडियो में, ठीक है। तो इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए हम क्या सिखाए थे वहां पर, कि इसको हम दो वेक्टर की तरह समझ सकते हैं, एक वेक्टर ये हो जाएगा और एक वेक्टर ये हो जाएगा, तो हम इसका एरिया वेक्टर तो लिख ही सकते हैं ना, ए वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम देते हैं ए बी, इसका नाम देते हैं सी, तो ए बी है ना, एरिया जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस में ए सी वेक्टर आ जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए जे कैप है ना, ए जे कैप को क्रॉस करवाना है ए आई कैप प्लस में ए के कैप से, ऐसा अगर हम क्रॉस करवा देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर जे इंटू आई तो हो जाएगा माइनस में के कैप और ए इंटू ए प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर और जे इंटू के तो ये हो जाएगा आई कैप, ये हो गया एरिया वेक्टर। और अगर हम यहाँ प्लस लिखना चाहते हैं तो प्लस क्या होता है ई वेक्टर डॉट ऑफ एरिया वेक्टर होता है, हमको इन दोनों का डॉट कर देना था, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ए आई कैप ए स्क्वायर और यहां पर ए स्क्वायर के कैप को डॉट कर देना है ई जीरो आई कैप से, तो यहां से हो गया ई जीरो ए स्क्वायर, दैट्स योर आंसर, क्योंकि के वाला कंपोनेंट है ही नहीं। उम्मीद करते हैं अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का खत्म नहीं हुआ है, बैठे रहो, हाँ अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एरिया अगर हमारा कोई फ्लैट हो और 3D हो तो हम ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन क्या हो कि अगर एरिया हमारा कर्व्ड हो, क्या हो कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो और कर्व्ड सरफेस से पास कर रहा हो, डिफरेंट है ना, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जो भी था भी, लेकिन उसके अच्छे खासे यूज अभी लोगों ने नहीं किए, अब करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले कॉपी कर लो, अगला टॉपिक। मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही पास कर रहा है बेढंगा ऐसा, ठीक है, और इसी में एक कोई एक जनरल सा एरिया बना हुआ है ये वाला, ठीक है, इसका एरिया है dA वेक्टर छोटा सा, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है वो A हो गया E, तो इससे कितना फ्लक्स बनेगा, हम एक छोटा सा, ये छोटा सा एरिया है, इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स बनेगा, तो हम उसको कह देंगे वो d5, तो d5 बराबर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ऑफ dA वेक्टर, नहीं हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ऑफ dA वेक्टर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा छोटा सा इस समय फ्लक्स, फ्लक्स ड्यू टू वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया है ना, फ्लक्स पासिंग थ्रू, ये क्या हो जाएगा बेसिकली फ्लक्स पासिंग थ्रू वेरी
स्मॉल एलिमेंटल एरिया हो जाएगा ना। अब इसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक बेडंगा ऐसा कर्व सरफेस है और इससे होकर के हमारा यही रहा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, ठीक है। इससे हम जानना चाहते हैं कितना फ्लक्स बन रहा है, इससे हम जानना चाहते हैं कितना फ्लक्स बन रहा है। तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि इसमें पहले इंक भरना पड़ेगा तभी ना फ्लक्स बनेगा, ठीक है। चलो थोड़ा हम और इसको कर लेते हैं अजीब सा ऐसा, ठीक है। और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक काम करते हैं, इससे होगा कितना फ्लक्स बन रहा है। ये देखो थोड़ा ऐसे करके बेडंगा ऐसा कोई है तो हम उसमें छोटा सा सेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, छोटा छोटा इसका एरिया काटते हैं और यहाँ पर हम इसका रखते हैं डी ए वेक्टर। ऐसे बहुत सारा छोटा छोटा एरिया काट सकते हैं क्या, बहुत सारा छोटा छोटा एरिया कर सकता है ना। और हर एक का यहां पर का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिख रहे हैं, यहां का डी ए वेक्टर ऐसे लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होता है ना सरफेस के, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है डी ए वेक्टर, और यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो हमको इसका हर एक का ई डॉट डी ए करके इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द सरफेस एरिया। सपोज करते यही कोई सरफेस है ना, इसका छोटा सा सेक्शन काटे हैं, इससे होकर के ये हो गया हमारा डी ए वेक्टर और इससे होकर के यहां पर पास करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो इसका जो ई डॉट डी ए बनेगा ऐसे करके बहुत सारा छोटा सरफेस बनेगा, सबका ई डॉट डी ए करेंगे और सबको पकड़ के जोड़ देंगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो नेट फ्लक्स जो बनेगा, हेंस जो नेट फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर। और ये जो इंटीग्रेशन करेंगे ये ओवर द सरफेस करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलते इसको, सरफेस इंटीग्रल, पूरा सरफेस को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर गिव्स नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। मजा आया, कोई भी क्लोज सरफेस का ई डॉट डी ए करेंगे, नेट इंटीग्रेशन कर देंगे उसको, तो हमको मिलेगा नेट फ्लक्स, ठीक है। कॉपी करो। क्वेश्चन है इसी में, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट वन प्लस में आर आई कैप, जो लिखे है ना पूरा ध्यान समझो, ई नॉट वन प्लस में आर आई कैप का मतलब क्या हुआ। और एक डिस्क है, इससे होकर के फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है, इसका रेडियस आर है। पहला बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, आई कैप यानी कि एक्स की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं ना कहीं ऐसे ही पास कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है आर पे, और आर क्या है, ये रेडियल वेक्टर है, यानी कि अगर आर का वैल्यू जीरो है यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या ई नॉट, यानी कि बीच में से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पास कर रहा है। और जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जा रहा है और अप टू कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा ई नॉट वन प्लस में कैपिटल आर। समझ में आया बात, ये स्मॉल आर देखो ये क्या बोल रहा है कि आर के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी कि हाई डायरेक्शन उधर ही, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कम है और जैसे जैसे रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो कह रहे इसका नेट फ्लक्स बताओ कितना होगा। तो पहला बात तो यही तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, और हम यहाँ पर ई इनटू एरिया भी नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी आर डिस्टेंस पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं डी आर विड्थ का,
और इससे होकर कितना फ्लक्स बनेगा हम ये निकाल लेते हैं और उसको पकड़ के यहाँ से तक जोड़ देते हैं, तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा बस एक तो स्टेप कर देते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे छोटा सा डी फाई, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट वन प्लस में आर स्क्वायर और इंटू इसका डी ए क्या हो जाएगा, टू पाई आर इंटू डी आर। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, दिया जाएगा नेट फ्लक्स। सॉल्व कर लेना, इसका वैल्यू आ जाना चाहिए। बी नंबर में क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया, सुन ले छापो इसको, चलिए छाप लिया, छाप लिया पक्का, छपा लिया होगा ठीक है। अभी क्या कह रहा है, यहां पर हमने एक कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू को रखा है किसी एल डिस्टेंस पर, तो कह रहा है इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो इससे होकर के पास कर रहा है, कह रहा है वो अब फ्लक्स बताओ कितना बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है वो कैसे पास कर रहा होगा, ऐसे ऐसे पास कर रहा होगा है ना, इस डिस्क में से ऐसे पास कर रहा होगा फ्लक्स, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल लेंगे वो चीज बात कर रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा हम एक काम करते हैं, हम इस डिस्क को ऐसे दिखा देते हैं, ये चार्ज को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं और किसी जगह पर किसी r डिस्टेंस, ये कितना हो गया r डिस्टेंस है ना, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा है ना। और ये डिस्टेंस कितना हो गया, अगर ये l है ये r है तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा वो तो निकाल सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक चार्ज के कारण किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी कि रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, ऐसे वाले और ऐसे वाले। अगर हम मान लेते हैं ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई का कॉस थीटा। और जो ई का कॉस थीटा बनेगा वही सिर्फ इसमें से पास कर रहा है, जो ई साइन थीटा बनेगा वो तो इससे होकर के पैरेलल वाला निकल रहा है तो फ्लक्स पास नहीं करेगा, यानी कि ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही इसमें से पास करेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है यहाँ पर उसका जो कॉस थीटा कंपोनेंट बन रहा है उसको अगर हम 2 पाई आर इंटू डी आर कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो नेट फ्लक्स क्या बनेगा यहाँ पर, फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू एल स्क्वायर है ना, ऐसे लिख लेते हैं ज्यादा बेटर होगा, एक एक करके ई इंटू डी ए लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर लिखते हैं के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट तो खत्म हो गया। डी ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, टू पाई आर इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, ये होगा नेट फ्लक्स। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से लेकर कैपिटल आर तक। सॉल्व कर लेना है कि हम सॉल्व कर दें, हो जाएगा ना सॉल्व, लिमिट लगा लेना है जीरो से लेकर के आर तक में, और यहाँ पर आर ही है सिर्फ वेरिएबल और कॉस थीटा भी है, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे आ जाएगा रे, हाँ आ ही जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू आधा लिखने के लिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाय इतना यानी कि एल अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर है ना। तो बाकी सॉल्व कर लेना है, इसको बीच में आ जाएगा, एक चीज टेक कर लेना है एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर को टी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एल तो फिक्स है, टू आर इंटू डी आर इक्वल टू टू टी इंटू डी टी जो पीछे में करते थे इसका यूज करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करोगे इसका जो नेट फ्लक्स आ जाएगा वो आता है हमारे पास, बता देते हैं, क्यू एल टू एप्सिलॉन जीरो वन माइनस वन अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका वैल्यू ठीक है। तो चेक कर लेना आता है कि नहीं आता। अब से कुछ कुछ डिफरेंशिएशन वाला इंटीग्रेशन वाला हिस्सा हम भाई तुम लोग के लिए छोड़ेंगे ठीक है ना, क्योंकि अब उतना सब चीज़ हम तुम लोग को बता ही चुके हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा हम फिजिक्स ही सिखा सकते हैं, सब चीज़ में एक ही चीज़ को बार बार गैंगुज करने से टाइम पास ही होगा है ना, कोई फायदा तो है नहीं। तुम लोग थोड़ा सा अपने से घर पर बैठ करके बनाओ सवाल को ठीक है, उसका एंड तक तो पहुँचाओ ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं अगला सवाल क्या है हमारे पास, वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, सिलेंडर है जिसका लेंथ एल दिया हुआ है और रेडियस आर दिया हुआ है और इसके सेंटर पर एक चार्ज क्यू रखा गया है और कह रहा है इस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा जो इसमें से पास कर रहा होगा।
ठीक है, इसके इस वाले कर्व सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो निकालना है। तो चार्ज है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही रहा होगा ऐसे ऐसे, है ना, इधर भी निकाल रहा होगा, तो E इंटू इसका 2πr कर देंगे और L कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, सही है क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पर, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा तो हर समय इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड कर जाएगा मामला, ठीक है। तो हम क्या करना पड़ेगा, वही फिर इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन। तो हम किसी भी जगह पर जाकर के हम छोटा सा सेशन काट लेते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से करके हमने काट लिया किसी एक्स डिस्टेंस पर एक, ये देखो सर्कुलर रिंग टाइप का नहीं कटेगा ऐसे करके, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई। अब इसके हो गए, ये मान लेते हैं थीटा, तो ये भी हो गया थीटा, इसके कारण से हो गया ई कॉस थीटा और ये ई साइन थीटा। तो कौन सा फ्लक्स बनाएगा, ई साइन थीटा है ना जो कि इसमें से पास कर रही है, कॉस थीटा को थोड़ा ना फ्लक्स बनाएगा, ई साइन थीटा को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मेरा काम बन जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो हम पहले लिखते हैं छोटा सा डी फाई, डी फाई क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा इंटू डी ए, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई, और ये अगर एक्स है और ये आर है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो ई की जगह क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का रूट का स्क्वायर कर देंगे, यह आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा और डी ए, डी ए की जगह क्या लिखेंगे इसका, टू पाई आर इंटू डी एक्स, अगर ये एक्स है तो इसका वीट है डी एक्स मान लेते हैं, तो टू पाई आर इंटू डी एक्स, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका लिमिट लगा देना है, ठीक है, एक्स का वैल्यू कहाँ, ये एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में एल बाई टू से लेकर के माइनस में एल बाई टू तक, या फिर एक्स का वैल्यू एल बाई टू से लेकर के जीरो तक चल जाओगे तब भी, और दो से मल्टीप्लाई कर लेना, तो भी कम कर सकते कि एक्स का वैल्यू जीरो से एल बाई टू तक अब मल्टीप्लाई कर लेना है दो से, ये नेट फ्लक्स हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू जान ही रहे हो ना, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आर अपॉन दिस वन है ना, साइन थीटा का वैल्यू क्या जाएगा, आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व कर लेना। समझ में आ गया बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा इसका आंसर बता दें, इसका जो नेट फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास क्यू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस में फोर आर स्क्वायर ऐसा कुछ, ठीक है, ये है इसका आंसर। भारी डन हो जाएगा जी, देखो हम सॉल्व तो कर ही देंगे लोग, कुछ कुछ अब तुम लोग अपना जिम्मेदारी उठाओ, क्योंकि पीछे भी बहुत सारा सॉल्यूशन कर चुके हैं, सेम टाइप के मैथमेटिक्स हम लोग लगाते थे, बस हम चीजों को बस तुम लोग को अभी तक करके दे रहे हैं ना, यही सब चीज़ करना होता है, ये सब चीज़ सीखना होता है, कैसे कट रहा हो नहीं हो रहा, बाकी इंटीग्रेशन वगैरह तो भाई तुम लोग कम कर ही लोगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन की तरफ जो देख रहे हैं पर, है ना, कुछ नहीं इसमें कि एक चार्ज्ड रॉड है, ये चार्ज्ड रॉड है और इसे कारण कह रहा है कि एक यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कुछ इस तरह का बनाया गया सीट है, इससे होकर के जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये जो रॉड है इसे सेंटर से कुछ डी डिस्टेंस तक है फैला हुआ, और इसका जो लेंथ है ये एल है और ये लेंथ बी है ऐसे, तो कह रहा है इससे होकर कितना फ्लक्स बन रहा है वो निकाल के दिखाओ। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि फिर से देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लेमडा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड कितना लेमडा अपॉन 2πr epsilon नॉट, ये आर पे डिपेंड करता है, यहाँ के लिए आर कुछ होगा, यहाँ के लिए आर कुछ होगा, क्योंकि ये ना सबसे नज़दीक वाला से हिस्सा में होगा। नहीं समझ में आ रहा बात, इसको हम फिर से दिखाते हैं। ये रॉड देख लो ऐसे है, और ये रॉड थ्री, हम ऊपर से देखें, टॉप व्यू देखना चाहते हैं ऐसे, टॉप व्यू देखना चाहते हैं आप, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर अगर हम टॉप व्यू देखें तो हमको यही रॉड दिखेगा ऐसे जाते हुए, और ये हो गया हमारा एक स्क्वायर वाला है ना, ये रेक्टेंगुलर सीट है।
ये डिस्टेंस हो गया डी, ठीक है, और ये वाला पॉइंट। तो अगर हम किसी भी जगह पे हम बात करेंगे, किसी भी जगह पे किसी आर डिस्टेंस पर बात करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐसे हो जाएगा ना। अब वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यहाँ पर कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पर और कम हो जाएगा। तो इसके फ्लक्स को निकालने पड़ेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा स्ट्रिप काटना पड़ेगा। हम इधर नहीं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन इधर काट दिए, तो हम इधर ही काट दें स्ट्रिप थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। और इस स्ट्रिप से होकर के कितना एरिया बनेगा और इससे वो कितना फ्लक्स बनेगा, इसके फ्लक्स को जोड़ देंगे यहां से लेकर के यहां तक में, तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। अरे बस हमने तो पहला बात तो अगर इसको थीटा मान लें, ये क्या बनेगा e cos थीटा, इधर वाला बनेगा e sin थीटा, ठीक है। तो अगर हम ये लेंथ कह देते हैं, हमारे पास कुछ x है और इसका विड्थ कुछ dx है ना, यहां से ये लेंथ हो गया x और इसका विड्थ हो गया dx, कुछ खतरनाक 3D बन गया है, इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया dx, तो नेट जो छोटा सा फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, e cos थीटा कंपोनेंट इंटू dA हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे क्या बनेगा, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, जो अभी सीखे हैं, लेमडा अपॉन 2 पाई और स्मॉल आर के जगह क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर का रूट 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कॉस थीटा इधर क्या लिखेंगे, डी अपॉन ये रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, और डी ए का जगह क्या लिखेंगे, लेंथ हो गया एल, ब्रेथ हो गया डी एक्स, एल इंटू dx। तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, नेट फ्लक्स आ जाएगा। देखो l d और लेमडा 2 पाई, लेमडा l d अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 तो बाहर आ गया, ठीक है, और अंदर में क्या बच गया, ऊपर बच गया dx और नीचे में हो गया d स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर रेज टू द पावर 3 बाय 2। x का वैल्यू 0 से लेकर के b बाय 2 तक चलेंगे, 0 से लेकर के b बाई 2 तक चलेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इधर भी चलेगा। देखो x का वैल्यू 0 से लेकर के ऊपर b बाई 2 हो गया ना, ये लेंथ, ये लेंथ क्या बना b बाई 2 और नीचे में भी हो गया b बाई 2, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 से लेकर b बाई 2 तक चलेंगे, इधर भी 0 से लेकर b बाई 2 तक, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास लेमडा एल अपॉन पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और टैन इनवर्स b अपॉन 2d, दैट्स योर आंसर, ठीक है। कैसे लाओगे ये तुम्हारा काम हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, समझ में आ गया बात। तो यही था अभी तक का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लेक्चर समझ में आया होगा, और कुछ कुछ आज से हम टाइम भी बच रहा है थोड़ा सा, और ज़्यादा चीज़ें भी कवर हो रही है, ठीक है। तो इनको भी बहुत सारे सवाल भी आ जा रहे हैं, इससे थोड़ा अपने से भी काम करना है घर पे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हमारा होगा गॉस लॉ पे, तो सब उसको देखने के पहले सबसे पहला काम, क्योंकि हर एक लेक्चर में बहुत हाई एंड लेवल की डिस्कशन हो रही है, थोड़ा ध्यान समझो और पूरा डिटेल में एनालिसिस करने के बाद अगले वीडियो को देखो, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं होगा अगले वीडियो को बिना पिछले वाले वीडियो को देखने, क्योंकि मेरा जो लेक्चर आ रहा है वो पीछे में कनेक्शन है भाई सबका, ठीक है ना, थोड़ा उसको पकड़ करके रखो, ठीक है। Bye.